दो सैमुअल अध्याय 11 दाऊद और बतशेबा। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अमालेकियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर भवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं? तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और गर्भवती हुई और तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल सेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया, तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इजराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ, मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूँगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने सबके सामने खाया पिया और वह उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। तब दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट जाओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः उरिया ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि मैं की वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उसमें हित्ती उरिया भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूबेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का ऊपरला पार्ट उस पर ऐसा न मारा कि वह बेशेत में मर गया? और फिर तुम शहर पनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। तब दूत चला गया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे ही उनको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधा।
जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ।